बात अब ये खास है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आज की एक नई वीडियो के साथ में। दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो में मैं आपको एक तमिल भाषा की फिल्म थी जिसका नाम था तेलचु सुकुंदम, जिसकी रीमेक फिल्म बनी थी सन 2000 में, जिसका नाम था हमारा दिल आपके पास है। इस फिल्म के अंदर में मुख्य भूमिका में अनिल कपूर, सोनाली बेंद्रे और ऐश्वर्या राय को दिखाया गया था। फिल्म का निर्माण जो है वो बोनी कपूर ने किया था और निर्देशन जो है वो सतीश कौशिक जी ने किया था। सन 2000 की ये सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली सुपरहिट फिल्म थी। आज की इस वीडियो के अंदर में मैं इसी फिल्म की कुछ शूटिंग लोकेशन आपको दिखाने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, फाइनली आ चुके हैं हम शूटिंग लोकेशन पे और इसी रास्ते से हमें थोड़ी दूर चलना है। और अगर बात करें इस जगह की तो काफ़ी खूबसूरत जगह है, हालांकि अभी बरसात का मौसम है ना, तो इस साइड में भी देख सकते हैं काफ़ी घास उगी है। और आगे चलते हैं तो आपको दिखाते हैं वो जगह जहाँ पे फिल्म के सीन को शूट किया गया था। तो दोस्तों, हमारा दिल आपके पास है फिल्म के अंदर एक सॉन्ग था, सॉन्ग के बोल थे स्मार्ट फैमिली। इसी गाने की कुछ शूटिंग लोकेशन जो है इस जगह पे शूट की गई है, तो वही शूटिंग लोकेशन मैं आपको दिखाने वाला हूँ और साथ में यहाँ का व्यू भी दिखाऊंगा। काफी खूबसूरत व्यू है यहाँ पे। ये वो जगह है जहाँ से फिल्म के सीन को शूट किया गया था। तो चलिए दोस्तों, मैं पहले आपको कैमरा सेट करके दिखाता हूँ कि वो सीन किस तरीके से था। तो दोस्तों, सीन को कुछ इसी तरीके से दिखाया गया है। नीचे मैंने स्क्रीनशॉट डाल दिया है, वहाँ से आप मैच कर सकते हैं। और कैमरा एंगल कुछ इस तरीके से था। और दोस्तों, हमारा दिल आपके पास है फिल्म के अंदर जो गाना शूट हुआ था उसको ठीक इसी तरीके से शूट किया गया था। गाने के अंदर आप देखेंगे तो इसी तरीके से दिखाई पड़ेगा कुतुब मीनार और लेफ्ट और राइट साइड के स्ट्रक्चर दिखाई पड़ेंगे। हालांकि ये दो पेड़ जो हैं ये उस टाइम पे नहीं थे, ये पेड़ जो हैं ये बाद में लगाए गए हैं और फिल्म जो है वो 2000 में आई थी, जिस वजह से अब ये पेड़ जो हैं ये काफ़ी बड़े भी हो चुके हैं। और ठीक इसी तरीके से यहाँ पर फिल्म के सीन को दिखाया गया था, जैसा कि आप गाने के अंदर जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, ले चलते हैं आपको दूसरे सीन की तरफ। और यहाँ पे अब काफ़ी चेंजेस हो गया है, क्योंकि यहाँ पे अब थोड़ा बहुत इमारत जो है इनमें कुछ बदलाव किया गया है। जहाँ पे ये टूट फूट गए हैं उस जगह पे थोड़ा बहुत इसमें डेंटिंग पेंटिंग और इसमें थोड़ा नए तरीके की कारीगरी की गई है। और दोस्तों, फिल्म के अगले सीन को यहाँ दिखाया गया था, नीचे स्क्रीनशॉट डाल दे रहा हूँ, वहाँ से भी आप मैच कर सकते हैं कि ये जो जगह है ठीक इसी तरीके से दिखाई गई थी। और यहीं पे ऐश्वर्या राय जो होती हैं वो छोटी सी लड़की के साथ डांस कर रही होती हैं। पीछे अगर आप देखेंगे उनके तो ऐसे ही बैकग्राउंड नज़र आएगा, ये दोनों स्ट्रक्चर दिखाई पड़ेंगे और इसी जगह पे वो दोनों लोग डांस कर रहे होते हैं, जैसा कि स्क्रीनशॉट में आप देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, जो अगला सीन होता है उसको यहाँ से दिखाया गया था, इस वाली जगह पे आप स्क्रीनशॉट के माध्यम से भी देख सकते हैं। ऐश्वर्या राय और वो छोटी सी बच्ची जो होती है वो दोनों लोग डांस कर रहे होते हैं, क्योंकि इससे पहले जो डांस कर रहे थे वो थोड़ा आगे साइड में था। और उसके बाद जो दूसरा शॉट दिखाया गया था उसको ठीक इसी तरीके से दिखाया गया था। मैं नीचे स्क्रीनशॉट भी डाल दे रहा हूँ, वहाँ से भी आप मैच कर सकते हैं। यहाँ पे क्राउड काफ़ी ज़्यादा रहता है। और दोस्तों, फिल्म के अंदर एक सीन को और दिखाया गया था, ये जो कुतुब मीनार है और ये जो दीवार आप देख रहे हैं आधी टूटी हुई है, इस जगह पे भी एक सीन को लिया गया था। स्क्रीनशॉट डाल दे रहा हूँ, वहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये इसी तरीके से एक सीन को शूट किया गया था, जिसमें जो अनिल कपूर होते हैं वो यहाँ पे डांस कर रहे होते हैं। तो पीछे ये जो कुतुब मीनार आपको है ये कुछ इसी तरीके से नज़र आती है, जैसा कि गाने के अंदर में दिखाया गया है। काफ़ी शॉट को क्लोज करके दिखाया गया था, जिसमें ये कुतुब मीनार जो है पूरी नहीं दिखाई पड़ती है, मतलब ये कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ती है, जैसा कि मैंने
आपको ये कैमरा पूरा सेट करके दिखाया है। कुछ इसी तरीके का सीन होता है जिसमें अनिल कपूर जी जो होते हैं वो यहाँ पे डांस कर रहे होते हैं, तो पीछे साइड आप देखेंगे तो ये जो झरोखे हैं ये नज़र आएंगे और कुतुब मीनार जो होता है वो कुछ इसी तरीके से दिखाई पड़ता है। तो दोस्तों हमारा दिल आपके पास है। फिल्म के अंदर जितने भी सीन थे यहाँ पे शूट किए हुए मैंने एक एक करके बारी बारी से आपको मैंने दिखा दिया है और यहाँ का क्राउड आप देख सकते हैं और व्यू जो है यहाँ का काफ़ी खूबसूरत है। यहाँ पे कई हज़ार लोग जो है एक दिन में घूमने के लिए आते हैं, मिनिमम 2 से 3 हज़ार लोग तो ज़रूर आते होंगे और आप देख सकते हैं कि क्राउड किस तरीके से है आने जाने वाले रास्ते पे। चुके हैं इसके अंदर एक गार्डन बना हुआ है, चलिए थोड़ा बहुत आपको हम गार्डन की सैर कराते हैं। पीछे देख सकते हैं घास है वो जो काटी जा रही है क्योंकि इसके अंदर जाने को फिलहाल देते नहीं हैं, लेकिन यहाँ पे आने के बाद ना थोड़ा कुछ अजीब तरीके का माहौल है, काफ़ी सुकून भरा। तो आइए थोड़ा आपको दिखाता हूँ मैं इस जगह को बैक कैमरे से। तो दोस्तों फिल्म के अंदर जितने भी यहाँ पे सीन शूट किए गए थे उनको ढूंढ पाना काफ़ी मुश्किल भरा काम था, तो जहाँ तक हमसे कोशिश हुई जितने लोकेशन हमें मिली वो मैंने आपको दिखाने की कोशिश किया है। तो उम्मीद करते हैं कि आज की ये हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ किसी नई लोकेशन पर, तब तक के लिए जय हिंद।